Now I invite Group Captain Jaipal Singh Chauhan, an eminent officer from Indian Air Force, to express his passionate views on Desh Nayak Subhash Chandra Bose. Group Captain Jaipal Singh Chauhan. Vande Matram Deviyo aur Sajjano. Today I am venomed with emotions as a Fauji. Shri Sugato Bose aur Upasthit Vidwajjan. Maa Bharati ke lalat par aur Vishw Patal par apni amit chhaap chhodne wale Desh Nayak Subhash Chandra Bose ke baare mein jab hum sochte hain तो हमें कुछ ऐसा आलमतारी होने लगता है जिसका कि बयान करना बड़ा ही मुश्किल है. बस आप यूं समझ लीजिए जैसे कोई किसी दरगाह या मंदिर में जाए तो इबादत के लिए सर अपने आप झुक जाता है और आंखों से बेसाफ्ता श्रद्धा के सुमन टपकने लगते हैं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत बहुत ऊंची थी, शायद हिमालय की बुलंदियों से भी ऊंची. एक शेर सबने सुना होगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है. लेकिन इससे आगे का जो शेर है लोग उसे नहीं पढ़ते, नहीं जानते, जो कहता है मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्द बात चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है. और यही चीज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की. जो शख्स हर जगह अपनी बुलंदियों पर गया, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा, प्रमाणों के साथ चर्चा करूंगा, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने आप को कभी शीट्स पे नहीं रखा. और जिसका एक उदाहरण मैं देता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंधे पे कभी आपने रैंक नहीं देखी होगी. फौजियों के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, उनका मनोबल ऊपर करने के लिए उन्होंने वर्दी जरूर धारण करी, लेकिन रैंक नहीं लगाई कि मैं फला सीनियर मोस्ट ऑफ द इंडियन INA, आई एम द लीडर. ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कभी नहीं किया. इसी क्रम के अंदर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी. इंडियन सिविल सर्विसेज जो टॉप मोस्ट था, आज हर एक आदमी चमक चाहता है, लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस को देखें तो हर चमक से बाहर एक गुमनामी में, एक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े. वे एक ऐसे विजनरी थे जो सपनों को हकीकत में बदलना अच्छी तरीके से जानते थे, जो नामुमकिन को नामुमकिन मुमकिन कैसे किया जाए इसमें बड़े पारंगत थे. वे कुशल मिलिट्री जनरल होने के साथ कुशल प्रशासक, स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन और सम्मोहन क्षमता के महान धनी थे. और ये सारी जितनी भी खूबियां सुभाष चंद्र बोस के अंदर थीं, अगर आप देखें हर एक के अंदर सुभाष चंद्र बोस वॉज नंबर वन, ही वॉज नेवर नंबर टू. आश्चर्य होता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हर क्षेत्र में बेस्ट हो. नौकरी करने की इच्छा हुई तो सिविल सर्विसेज बेस्ट टॉप, पॉलिटिक्स की बात आती है तो इलेक्शन लड़े प्रेसिडेंटशिप का, एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीत के दिखाया. मां भारती को आजाद करने की उस क्रांतिकारी लॉ में और घी डालने की इच्छा हुई तो छोड़ के चल दिए और आजाद हिंद फौज इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने के लिए. क्या ये सारी खूबियां एक व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं? मुझे लगता है कि ये शायद परमपिता परमात्मा की भारत
गुलाम भारत की जो दयनीयता थी उसके ऊपर परमात्मा को कुछ ऐसा रहम आया कि उसने कहा कि नेताजी देशनायक सुभाष चंद्र बोस को माँ भारती की गोद में दे दूं, एक ये है जो कि आगे इस लॉ को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। मुझे सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह का युद्ध प्रण याद आता है। उसमें उन्होंने कहा, देश वावर मोही एहे शुभ कर्म न ते कबहू न टरो, देश वावर मोही एहे शुभ कर्म न ते कबहू न टरो, न टरो जब जाए लड़ो अरिसो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जीत मेरी होगी, ये चॉइस दुश्मन के पास नहीं है। दुश्मन के पास तो चॉइस है सिर्फ पराजय, वो पराजय हो सकता, पराजित हो सकता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों इसी चीज को अपने अंदर आत्मसार किया। युद्ध का एक सिद्धांत है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉर। इन द कंडक्ट ऑफ वॉर इट इज असेंशियल टू सेलेक्ट द करेक्ट एम, उद्देश्य बड़ा साफ होना चाहिए। और उसके बाद क्या किया जाए, डायरेक्ट ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस टुवर्ड दिस प्री डिफाइंड डिसिसिव अटेनेबल ऑब्जेक्टिव। किसके लिए, टू ब्रेक द विल ऑफ द एनिमी। जीत हार नहीं, अगर एक बार दुश्मन का विल टूट गया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो दुश्मन के पास झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि अंग्रेजों को उन्होंने डिसेंट सप्रेशन की टेक्निक में महारत हासिल की हुई है। अगर कोई सर उठाएगा तो हम उसमें कोड़े लगाएंगे, अपनी एट्रोसिटीज से उसको दबाएंगे, नहीं होगा जेल में डाल देंगे, और जेल में कैदियों से वो काम कराया जाएगा जो कि जानवर भी उतना काम नहीं कर सकते, यानी कि फ्री की लेबर। फ्री की लेबर उन्हें मिल रही थी। अगर ये भी इससे भी काम नहीं चला तो फांसी पे चढ़ा देंगे, हमारा क्या जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण कि समाज के अंदर और आग फैलेगी तो उसे सेलुलर जेल, वहां भेज दो, कभी लौट के नहीं आएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस डिसेंट सप्रेशन टेक्निक को अच्छी तरीके से पहचाना और उन्होंने कहा कि जब तक कि इनको इक्वल कॉइन में इनको वापस न लौटाया जाए और ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश हुकूमत अपने आप को हेल्पलेस ना फील करने लगे, ये यहां से जाने वाले नहीं है। उसको कार्यान्वित करने के लिए दोस्तों सभी को पता है 1941 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब यहां पे आता है एक लीडर का, एक जनरल का एक विजन। उन्होंने विजन पहले से ही बना रखा था कि मैं किस तरीके से अपने इस मिशन को अंग्रेजों की कमर तोड़ कार्यान्वित करूंगा। सिर्फ नेताजी जो थे असही समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा अब काम नहीं चलने वाला है, वहां से चले, लेकिन चलना तो आसान था। अपनी आजाद हिंद फौज और इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को रिवाइव करने के लिए, लेकिन अगर आप देखें कितनी मुश्किलें थी, चारों तरफ अंग्रेजों के दोस्त थे, कहीं से भी सीक्रेसी लीक हो जाए, टेरेंस कितने डिफिकल्ट थे, और जो भी नेताजी के बारे में बताता उनके प्लान के बारे में उसको अंग्रेज अच्छी तरीके से उसको पुरस्कार देते। लेकिन नेताजी ना सिर्फ इन सब चीजों से, कितनी बड़ी प्लानिंग रही होगी, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, जो जाके वो हिटलर वगैरह से मिले थे, तो ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन के अंदर ही जाके सीधे गए उनके दरवाजे पर खटखटाया। कितनी पहले से उस योजना को ऑलरेडी क्रियान्वित कर चुके होंगे जो कि किसी को पता नहीं था। अब देखिए वहां पे जाते हैं, हिली टेरेन्स है, चिली वेदर है, पैदल
हजारों किलोमीटर सब मैरीन के अंदर वो जो है ट्रेवल करते हैं, और सब मैरीन में किस तरीके से, जहां की हवाई हमले हो रहे हैं, अलाइड यूएस एंड अलाइड फोर्सेस के हवाई हमले, कहीं पर भी अगर कोई सबमैरीन कुछ दिख जाए, साथ में दुश्मन की सबमैरीन्स भी हैं, साथ में समुद्र के अंदर माइंस भी बिछी हुई हैं, जरा सी अगर टकरा जाए तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। और 400 किलोमीटर के तकरीबन उन्होंने एक रबर की डिंगी, यानी कि रबर की बोट अगर हम कहें, 400 किलोमीटर उस समुद्री तूफान के अंदर आगे बढ़े जापानी सबमरीन पकड़ने के लिए, और जिस किसी से मिले वो व्यक्ति उनके जादू से अछूता नहीं रह पाया। उन्होंने लिया किसको अपनी फौज के अंदर, कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, कैसा वो जनरल होगा जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर पकड़े गए वॉर कैदी थे। अब वॉर कैदियों के साथ जैसे सलूक होता है, उनका मनोबल कैसे दुश्मन तोड़ता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैदी, उन कैदियों को अपने साथ लेते हैं आईने के अंदर, और उनके अंदर वो मंत्र फूंकते हैं कि दोस्तों मैं आपको तनख्वाह नहीं दे सकता, ज्यादा तनख्वाह मेरे पास नहीं है, मैं आपको रिसोर्सेज नहीं दे सकता जो कि ब्रिटिश आर्मी के पास है, मैं सिर्फ आपसे खून मांग सकता हूं। और वो सारे लोग ऐसे हों कि एक तरफ ब्रिटिश आर्मी में क्या हो रहा था कि लॉर्ड माउंट ब्रिटेन को डर लगने लगा कि जो इंडियन आर्मी, ब्रिटिश रॉयल इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो सुभाष चंद्र बोस के पाले में जाना शुरू हो गए हैं और अब ये लॉयल नहीं रहे हैं। लेकिन नेताजी उल्टा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि मीगर सैलरी दे रहे हैं, मीगर रिसोर्सेज हैं जिनके पास, वो सैनिक जो हैं ब्रिटिश आर्मी से हाथ नहीं मिला रहे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक जादू, एक जनरल का, क्यों कि ही वॉज अ मैन टू लीड विद एग्जाम्पल, लीड फ्रॉम द फ्रंट, पीछे से नहीं। लोग कहेंगे क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जो मिशन था जिसके लिए निकले थे, क्या उन्होंने उसे प्राप्त किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मिशन लाल किले पे झंडा फहराना नहीं था, उनका मिशन एक ही था, अंग्रेजों को किसी तरीके से भारत से बाहर निकालना। उस मीगर रिसोर्स के साथ उनकी आय ने सबसे पहले अंडमान निकोबार में झंडा फहराया, उसके बाद इंफाल, कोहिमा, ईस्टर्न साइड से उन्होंने लड़ाई जीतनी शुरू करी। और लेट मी टेल यू, इट वॉज नॉट द ब्रिटिश आर्मी हु वॉज हैवी ऑन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इट वॉज ओनली द वेदर विच प्लेड डिजास्ट्रस फॉर हिम। लेकिन साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सरेंडर, जर्मनी के सरेंडर के बावजूद भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो उन्होंने शुरू में जो मैंने आपसे कहा था कि जो उन्होंने इच्छा पैदा करी थी कि मैं वो आयरन फिस्ट तैयार कर दूं कि उनकी कमर टूट जाए, हेल्पलेसनेस फील करना चाहे, नेताजी ऑलरेडी वो बीज बो चुके थे। और हुआ क्या, 1946 कुछ नेवल ऑफिसर्स ने ब्रिटिश वॉरशिप को उन्होंने कैप्चर कर लिया और उन्होंने वायरलेस पे मैसेज भेज दिया चारों तरफ, और इंडियन नेशनल फ्लैग को उन्होंने होइस्ट कर दिया, यूनियन जैक को बाहर निकाल के। इंडियन आर्मी से कहा गया कि आप इनको, इस इशू को एड्रेस करिए, आप नेवी को अटैक करिए, आर्मी ने मना कर दिया। एयरफोर्स से कहा गया कि आप अटैक करिए, उन्होंने मना कर दिया।
पुलिस कांस्टेबलरी को कहा गया, पुलिस कांस्टेबलरी ने मना कर दिया, और उस दिन अंग्रेजों ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक एक मसौदा भेजा गया कि हम भारतीय इंडिपेंडेंस के लिए लोगों को भेज रहे हैं इंडिया, और अब जो है भारत हमसे कंट्रोल होने वाला नहीं है। मैं अपनी बात को विराम करने से पहले दो लोगों का, एक क्लेमेंट एटली का जो उन्होंने कहा था, इट वॉज द बोस लेड आयनी दैट वीकेंड द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स एंड इंस्पायर्ड द रॉयल नेवी मिलिट्री इन 1947, लीडिंग द ब्रिटिश टू बिलीव दैट नो लॉन्गर दे वर इन अ पोजिशन टू रूल इंडिया। एंड सेम थिंग वॉज अटर्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इट इज नो लेस कॉन्ट्रीब्यूशन विच द आईएनए हैज गिवन, एंड द टॉर्च वॉज सर्टेनली टेकन बाय द देश नायक सुभाष चंद्र बोस। आई वुड नॉट लाइक टू अटर नेताजी हैंस फॉर्थ, एंड विद दिस आई लीव दिस क्वेश्चन टू यू, वॉट डॉक्टर घोष सेड, वुड वी लाइक to just every year or at any prominent place see the photo of Subhash Chandra Bose, lay some flowers to him or take Subhash Chandra Bose here. Thank you so much. Jai Hind and Jai Bharat.